जो फिर से काला कालूटा चाय कहे लिया अपना काम करो ना बे। This is so good. ये चिकन कीमा इतना जूसी है, इतना जूसी है, अगर इसको निचोड़ डाले तो इससे आप लोग कपड़ा धो सकते हो। एनीवे तो गाइस दिस इज सांगिया एंड शी इज बीइंग कैमरा कॉन्शियस, इसलिए एक बार भी कैमरे की तरफ देख नहीं रही है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाही, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाही, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो कि नच ले रंग रच दे हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। ये जगह का नाम है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज की ऑर्गेनाइज रुको ये बताएगा हमको नहीं आता। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रीट फूड सेंटर है, ये न्यू टाउन में है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज है ये चीज़। तो यहाँ पे ऑपोजिट में पूरा आईटी हब है, ये ऑपोजिट में कैंडर टेक्स में आईटी हब है बेसिकली। और हम लोग इधर सांगिया तो गाइस हमने लिटिल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इधर गन्ना का रस है। जैसे हम लोगों ने पिछले दिन चाय पी के स्टार्ट किया था। और भाई तो आप लोगों ने भाई पिछले दिन का डेकेसलेन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक आएगा मतलब ये हो जा जरा, मतलब ये दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो गाइस लिटरली मैंने एक टेबल पकड़ लिया, टेबल पकड़ के मैं बैठ गया हूँ। मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। इधर एक चाइनीज स्टॉल है एक आंटी का, तो उधर से हम लोगों ने एक कॉम्बो ऑर्डर किया है। लिटरली अंकल हम लोगों को सैनिटाइजर दे रहे हैं। एनीवे व्हाटएवर इट इज, तो गाइस लिटरली इधर बहुत सारा वैरायटी का स्टॉल्स है, मछली भात से लेके बिरयानी तक हर चीज अवेलेबल है। और इतना कुछ तो ऑब्वियसली हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि पेट इतना सा ही है हम लोगों का। तो गाइस मैंने एक चाय, एक कप चाय मंगवाई थी, इधर मेनू पे लिखा आया था कड़क चाय, देखते हैं कितनी कड़क है ये। सागर को मोती और सूरज को तुझे दी है लाली, काली नागिन के जैसी सुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तुझे दी है लाली। एक एक करके ट्राई करते हैं। अच्छा भाई सांगे तुमने क्या लिया? सांगे ने ये कुछ लिया है लेमन आइस टी लुक्स लाइक कॉफी। नींबू पानी जैसा है, पता नहीं मेरे को क्यों लगा ऐसा। क्या पीता रहता है ये, क्या चीज पीता रहता है? गुलाब जल का, गुलाब जल का रोज हिबिस्कस टी। मैं नहीं बोल पाऊंगा ये चीज। रोज लीवा हिबिस्कस, जवा फूल, जवा फूल हिबिस्कस। हां वो जवा फूल तो ये पी कैसा रहा भाई? तू पी भाई।
तो सांगिया मेरे को पहले ऑफर कर रही है कि मैं पहले ये मोमो ट्राई करूँ। ये कितने करके है ऑफलेट? तीखा वाला सॉस देता है ना खाने के बाद, देखिए मुंह में चल जाता वाला तीखा सॉस ट्राई करेंगे अभी। Oh my God! मेरे को कुछ बोलो क्या बोलना चाहिए मेरे को, ये दिस इज सो गुड। भाई खेती की भालू टा के तीखा सॉस है चिकन हका नूडल्स विद ड्राई चिली चिकन। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है बट इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड। इज दैट ड्राई चिली चिकन? दिस वन इज गुड, ड्राई चिली चिकन इज गुड, लाइक बहुत ज्यादा फ्लेवर है, थोड़ा सा जूसी है, इट्स क्वाइट अच्छा लग रहा है। गाइस एक चीज बताना कि हम लोगों ने साइड चेंज कर लिया, अभी भी सामने मूवी लग रही है ना, ये कमेंट्स में बताना, ये कमेंट सेक्शन है। अरे इधर देखो, देखो ये जो ये हमारी कैमरा मैन है, ये पता नहीं क्यों इतनी कैमरा कॉन्शियस है, लेकिन भाई कैमरा कॉन्शियस हो या ना हो मोटापा बदलता नहीं है। अगर भाई आपको लगता है कि ये मोटी है कमेंट्स में जाओ जगह बताओ कि मोटी है कि नहीं। हाँ जी मूसा का घुसा इंग्लिश काइंड ऑफ ऑफवर्ड एम डबल ओ एस ए लोग प्रमोशन है, खुद ही प्रमोशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। Oh,
जिनको भी बोले वो सुन के पहले कंफ्यूज हो गए, क्या बोलना क्या चाहता है यार आदमी लड़का तो। आवा कितना बार पिएगा पहला कंप्यूटर स्टैक, कितना बार पिएगा, ये इसका चौथा कप है। मजाक नहीं कर रही, कल का लूटा चाय बहुत ही टट्टी है, बहुत ही गंदा है खाने में, ये लायक नहीं है बॉस, ये पीने लायक नहीं है। पी लेमन ग्रास टी, ये क्या है, लेमन ग्रास टी, लेमन ग्रास टी, नींबू ग्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, घास। तो गाइस वी आर बैक एंड हमारे पास आज तो गाइस वी आर बैक और हमारा अगला डिश आ चुका है, तो वी गॉट दिस। ये है क्या है, मॉस चिक बॉक्स, ये चिकन विंग्स है, ये नगेट्स है, पॉपकॉर्न, ये चिकन पॉपकॉर्न है और ये मोजरेला स्टिक्स है। गाइस मैं ये करूंगा मैं कैमरे के साथ करूंगा, देखो दिस इज द मोजरेला स्टिक, ये देखो। Oh भाई, oh भाई, तो ये कैसा है, संगे आया हमने आइडिया, तुम बताओ। संगे we gonna retake this, like कैसा है? हमारे पाड़ा में ऐसी दही बिकता है, दिखा रहे लग नहीं रहा है भाई, खट्टा दही है बिल्कुल, लगा होगा भाई चाहिए, चाइना में लोग भाई विंग्स के साथ नगेट्स के साथ ये दही खाते होंगे, चाइनीज। ये चिकन कीमा इतना जूसी है, इतना जूसी है, अगर इसको निचोड़ डाले तो इससे आप लोग कपड़ा धो सकते हो। Was it cringy? एकदम। तो गाइस वी गोना टेस्ट इट और सांगे देखो देख रही है, सांगे देखो देख रही है, आई एम जेलस, आर यू जेलस? आप लोगों को क्या लगता है खाने के बाद मेरे को जीने देगी, उसको एक टोकरी खरीद देना पड़ेगा। भाई बम है ये बम, मतलब दिस वॉज द बम। तो बस मैं बस अभी घर वापस आया हूँ भाई, बाहर थोड़ा चाय पीने निकला था, शक्ल की हालत देखो बस मेरी, बस शक्ल की हालत देखो। और आज हम लोग जहाँ पर गए थे ऑर्गेनाइज स्ट्रीट फूड स्टॉल जो कि बेसिकली न्यू टाउन में है, मैं उसके बारे में आप लोगों को दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उधर भाई चाइनीज और नॉर्थ इंडियन छोड़ के भी बहुत सारी क्विजींस है, बहुत टाइप का खाना है, जैसे वो जानने के लिए इंडियन फूड ट्राई किया था जिसका ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। तो बस और एक ज़रूरी बात, वो जगह एकदम सस्ती नहीं है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मानते हो स्ट्रीट फूड है लेकिन उधर का थोड़ा पॉकेट पिंच थोड़ा नॉर्मल स्ट्रीट फूड से ज़्यादा है, क्योंकि उधर हम लोग का आराम से पर हेड 250-300 रुपये लग गया था, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगा होगा क्योंकि हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया था। लेकिन भाई मैं सही बताऊँ तो द अमाउंट वी आर पेइंग फॉर द फूड मेरे ख्याल से काफ़ी वर्थ है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर आप लोग कैलकाटा से हो तो भाई मैं ज़रूर ये बोलूँगा भाई जाओ जाके वो जगह ट्राई करो, बिकॉज वो जगह सही में बहुत बढ़िया है, नो डाउट ऑफ दैट, इसमें डाउट मत करो। तो बस यही था आज का स्ट्रीट फूड ब्लॉग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, अपने भूखकर दोस्तों का शेयर करना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार मूसा भाई को देख रही हो, सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।